और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून की सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन ये आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों का अंधकार लेकर आया था। अंधकार आपातकाल का। आपातकाल की घोषणा होते ही शुरू हो गया देश भर में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, लालकृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं को मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगा कि पूरा देश जैसे एक बड़े जेल खाने में बदल गया हो, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। यहां तक कि लोकतंत्र के चौथे खंभे यानी प्रेस को पिंजरों में कैद करने की कोशिश की गई, लेकिन दबी हुई आवाजों को ज्यादा समय तक नहीं बांधा जा सका और हर ओर से नारे गूंजने लगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपातकाल लागू करने के लगभग 21 महीनों के बाद 21 मार्च 1977 को विरोध की लहर तेज होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। देश की राजनीति में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। बंदिशों और अंधकार का युग खत्म हो गया था, लेकिन उन लोगों को याद करना बेहतर होगा जिन्होंने सुबह के लिए अपनी कुर्बानियां दी और गुमनाम रह गए। 20-22-25 साल के नौजवान होंगे, उनको अगर पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, ज्यादा उसको पता नहीं। व्यक्ति स्वातंत्र की जो तड़पण होती हो, क्या होती है, देश ने कभी सोचा तक नहीं कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिन्दुस्तान को जेल खाना।